कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे आंदोलनों को लेकर अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा कल देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। वहीं आंदोलन को विफल करने के लिए रेलवे की दोनों मुख्य एजेंसी जीआरपी व आरपीएफ ने अपनी तरफ से पुरजोर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीआरपी ने जहां मौजूद बल के अलावा 15 सिपाहियों का बल और मांगा है, तो वहीं आरपीएफ कमांडेंट के द्वारा सभी आरपीएफ पोस्ट व आउटपोस्टेड प्रभारियों को जीआरपी के साथ सामंजस्य बनाकर किसानों को स्टेशन के अंदर घुसने से रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के बाहर की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस का कड़ा पहरा कल से ही बिठा दिया जाएगा, जबकि प्लेटफार्म के अंदर व प्लेटफार्म के मुख्य द्वार पर जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर जबलपुर में जीआरपी और आरपीएफ की क्या व्यवस्था रखी गई है पुलिस द्वारा? हाँ, जबलपुर डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी के एसपी से हमारी बात हुई है और जीआरपी एसपी साहब से भी बात हुई है और हम लोगों ने मीटिंग करके एक अपना कोऑर्डिनेशन बनाया है कि किस तरह से स्टाफ डिप्लॉयमेंट रहेगा और कौन कौन से सेंसिटिव सेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे स्टेशन है, कहाँ पे पुरानी हिस्ट्री रही है कि कभी किसान आंदोलन हुआ है, उन सभी जगहों पर हम बंदोबस्त रख रहे हैं। स्टाफ हमारा रहेगा बट सभी तरीके से इक्विप्ड रहेगा और हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो आकर के रेलवे के मूवमेंट को, यातायात को बाधित करे या रेलवे को किसी तरह की क्षति पहुँचाए। सर, लगभग कितना बल लग जाएगा? बल मेरा अपना आरपीएफ का लगभग मेरा 500 का स्टाफ लगेगा और जीआरपी का अपना उनका स्टाफ है, सभी सिटी पुलिस के भी स्टाफ है, काफ़ी बल संख्या पर्याप्त मतलब रहेगा। क्या हिदायत दी जाएंगी लोगों को वहाँ पर? लोगों को मेरे स्टाफ को तो हिदायत है कि फाइनली कि किसी भी बंदे को ट्रैक से आने नहीं देना है और सिटी पुलिस के साथ लाइजन करके रखना है। हम मूवमेंट ट्रैक करेंगे कि कहाँ पे कोई आ रहा है सिटी पुलिस से भी, किस थाने से लोग मूव करके किधर जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे नज़र रखेंगे।